पर मथुरा से आ रही एक्सप्रेस वे पर कार से अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस का पीछा करने पर छोड़कर शराब भाग गए बदमाश। थाना नोहझील इलाके में ये घटना हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर अवैध शराब की तस्करी लगातार जारी है। एक बार फिर से मामला सामने आया है। कार से करीब 2 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। मथुरा एक्सप्रेसवे पर कार से अवैध शराब की तस्करी। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान कार से बैरियर तोड़कर भागे बदमाश। ये शराब का जो जखीरा बरामद हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस का पीछा करने पर शराब छोड़कर बदमाश भाग गए हैं। थाना नोहझील इलाके में जंगल में तस्करों की गाड़ी मिली है, जहां से शराब बरामद की गई है। और मथुरा से हमारे संवाददाता अभिनय उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिनय, जो शराब पकड़ी गई, क्या कुछ अब तक इनपुट मिल पाए हैं पुलिस को? कौन थे ये लोग और कब से इस धंधे में काम कर रहे थे जो फरार हो गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें, थाना नोहझील इलाके की यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक स्कॉर्पियो जो तेज स्पीड में आ रही थी, तभी पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, मगर स्कॉर्पियो नहीं रुकी और बैरियर तोड़ते हुए वो आगे निकल गई, जिसका पुलिस ने पीछा किया। और पुलिस का पीछा करने पर जो उसमें जो शराब तस्कर थे, वहां जंगल में स्कॉर्पियो को खड़ी कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद में जो स्कॉर्पियो थी पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया, जिसमें जो है लाखों रुपए की, करीब जो है 2 लाख रुपए की जो शराब है बरामद की गई है। फिलहाल जो पुलिस है वो कई एंगल से उसकी जांच कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब जो शराब थी वहां जो है बाहर जो बांस में जो ले जाई जा रही थी, और शराब का जो नशे का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर पुलिस चेकिंग कर रही थी। और चेकिंग करने के दौरान में ये जो पुलिस को जो सफलता मिली है, और जो शराब जो तस्कर थे वो फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है, कल पुलिस गिरफ्तार करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, जो तस्कर थे वो भाग निकले हैं, हालांकि पुलिस कह रही है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया अभिनय जानकारी के लिए। मथुरा का मामला आपको बता रही, जहां पर शराब जो है वो बरामद हुई है। शराब छोड़कर जो तस्कर थे वो भाग निकले हैं।